सीमावर्ती क्षेत्र मेंढर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच नागरिकों द्वारा अपने घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। मेंढर में जन जन को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए SDM जांगीर खान के निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में तहसील मुख्यालय स्थित गांव हायर सेकेंडरी स्कूल छात्राल गुरासी मोरी समेत अन्य छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई तथा शपथ ली गई। साथ ही छात्राओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। SDM मेंढर जांगीर खान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और समर्पण का अभियान है। मेंढर सब डिविजन में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को अपने घर, दुकान, संस्थान, कार्यालय आदि में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल छतराल में पढ़ता हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। आज सुबह हमने प्रेयर की, उसके बाद हमने नेशनल एंथम बोला, उसके बाद हमने प्लेज की, उसके बाद हमने तिरंगा रैली निकाली। उसमें स्टूडेंट्स और स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसके बाद हम 1 किलोमीटर तक घूमे और तिरंगा रैली निकाली और उसके बाद हम स्कूल में आ गए। इस चीज़ का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा जो 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे आज़ादी के, तो उसी के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर ये कैंपेन हमारी हर घर तिरंगा चल रही है कि हर घर में जो है तिरंगा लहराया जाए और मुल्क के साथ वफादारी का एक सबूत दिया जाए। आपकी तरफ से? हाँ, जनरल पब्लिक के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर इंसान, हर बंदा अपने घर पे तिरंगा लहराए तो ये चीज़ एक अच्छी इमेज जाती है इंसान की। ये चीज़ हर जो शहरी के लिए, किसी भी मुल्क के शहरी के लिए ये चीज़ एक अच्छे मायने भी रखती है और ये चीज़ एक इनकरेजमेंट भी देती है एक कि इस तरह के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जिसमें मुल्क के तहत जज्बा इंसान का और बढ़े। We'll be right back.